खबर बैकुंठपुर से है, जहां पर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम सागरपुर का मामला सामने आया है, जहां पर आवेदक की भूमि पर जिला प्रशासन अधिकारी सहित ठेकेदार द्वारा नियम के विपरीत बने मकान पर जेसीबी चला दिया गया। कई मन्नतों पर भी जेसीबी को नहीं रोका गया। दरअसल आपको बता दें कि पूर्वजों से मिली भूमि पर कई वर्षों से वह काबिज कर जीवन यापन कर रहे थे। जिला प्रशासन के अधिकारी सहित ठेकेदार ने जेसीबी चलवा दिया, जिससे कि मकान में रखी कीमती वस्तुएं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। आवेदक ने घटनास्थल पर पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारियों से पूछे जाने पर सटीक जानकारी नहीं देना उचित समझा, जिससे घटना स्थल में मकान को गिरा दिया गया। तो वहीं आवेदक दर दर भटकने को मजबूर है। आवेदक ने शिकायत कोरिया पुलिस को दी है, जिस पर जांच का कार्रवाई की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व कोरबा लोकसभा प्रत्याशी दावेदार, एक मामला मेरे पास और आया है। ये मामला है अपने संतोष साहू जी का। इनका सागरपुर में जमीन था, 369 खसरा नंबर था। इनको तहसीलदार नया तहसीलदार के द्वारा सीमांकन का नोटिस दिया गया, ठीक है। सीमांकन नोटिस जारी करने के बाद जब ये इनके पास नोटिस आया तो ये कलेक्टर करियारा गए 28/10/24 को, फिर सीमांकन की डेट आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि फेस्टिवल पड़ रही थी तो बहुत सारी सरकारी छुट्टी थी, तो इनको काम नहीं करा पाते। तो ये कलेक्टर करियारा जाने के बाद इनके निवास पे सागरपुर पे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और ठेकेदार और जो यहाँ की कोतवाली पुलिस है वो गई, और इनके थोड़ा से जो मामला मुझे पता चला कि इनकी मम्मी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, और क्या बोलते हैं कि जहर का सेवन कराया गया है। जहर का सेवन तो संज्ञान का विषय है, क्योंकि ये जो मकान वाला मामला है, मकान वाला बिना किसी नोटिस के तोड़ा कैसे गया, ये बड़ा गंभीर विषय है। या तो इसमें कोई बड़े बिल्डर या फिर बड़े जो भू माफिया है उसका हाथ हो सकता है, ये जांच का विषय है। इसमें मैंने तहसीलदार मैडम अमृता सिंह को फोन भी लगाया था, उन्होंने रिसीव नहीं किया, हो सकता है शायद तक बिजी होंगी, है ना। लेकिन ये मामला जांच का है। मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहूंगा, कलेक्टर साहब से यही मांग करना चाहूंगा कि इनको उचित न्याय दिया जाए, तथा इनकी माँ को जिसने जहर का सेवन कराया है उसकी जांच की जाए, तथा इनका FIR थाने में लिखा नहीं जा रहा है, क्योंकि FIR काफी मेरे पास, मैंने FIR लिखवाने गया था तो बोले कि ये मामला प्रशासन का मामला है तो हम FIR लिखेंगे नहीं, आप एक बार SP साहब से मिल लीजिए। तो इन्होंने SP साहब के साथ तक मिला, तो SP साहब का साइन सील है इसमें, SP साहब का जो ये सील साइन है वो थाने में जल्दी आ जाएगा, तो इसका निराकरण मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। मैं प्रशासन से ही मांग करूंगा, जो इसमें ठेकेदार है, इसमें जो अधिकारीगण है, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और कुछ पुलिस के जो साथी है, इनकी जांच कराई जाए, तथा इनको उचित न्याय दिलाया जाए। इनका जमीन खसरा नंबर 369 था, तो 369 है कहाँ? इनका कहने का मतलब है कि PHE विभाग का जमीन है, और PHE विभाग का जमीन अगर है तो इनका 369 जो खसरा नंबर है, इनकी जमीन गोल कहाँ हुई? या तो इसमें राई पटवारी का हाथ है, या तो इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक जितने अधिकारी है सबका इसमें हाथ है। तो इसकी गंभीर विषय है ये बड़ा, और बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय की बात है, क्योंकि ये परिवार में अकेला लड़का है, और इसके घर में इसकी बहन और इसकी माँ है, पूरा बोझ इसी के ऊपर है। तो मैं प्रशासन की यही मांग करना चाहूंगा, जैसे 369 जमीन है खसरा नंबर, इसकी जमीन कहाँ पास है, इसकी सीमांकन जांच कराई जाए, तथा इसके जमीन जो वास्तव में जमीन है सागरपुर में, वो जमीन का निरीक्षण किया जाए, तथा जमीन को दिलाया जाए, और जो इनका मकान तोड़ा गया है तहसीलदार नायब तहसीलदार के द्वारा उसकी जांच करा जाए, क्योंकि ये अलीगल नोटिस के द्वारा इनका तोड़ा गया, बिना कोई नोटिस दिए गए इनका जमीन मकान तोड़ा गया है। ये बड़ा ही गंभीर पूर्ण मामला है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, और प्रशासन कलेक्टर साहब से मांग करता हूँ मैं कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जो भी अधिकारी थे, इनकी विभागीय जांच कराई जाए, और विभागीय जांच कराने के बाद इनके ऊपर संक्षिप्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना बैकुंठपुर हमारे हृदय स्थल में ना हो सके, ताकि हमारे जो समाज है, समाज में ये हमारे प्रशासन के खिलाफ नकारात्मक सोच लोगों के बीच में ना आए। धन्यवाद। मैं संतोष साहू ग्राम सागरपुर का निवासी हूँ, और दिनांक 28 तारीख को मेरे साथ एक घटना घटी है, और यह घटना बहुत बड़ी घटना है। मुझे सीमांकन करने के लिए नोटिस दिया गया, लेकिन मेरी मामी जो है वो एक्सपायर हो चुकी थी, तो उनके कार्यक्रम में जाना था मुझे, इसलिए मैं जो है कि मैं और मेरी बहन कलेक्टर कार्यालय गए थे कि सीमांकन की तिथि आगे बढ़ाई जा सके, ताकि हम लोग जो है कि अपना पक्ष भी आगे रख सके, और अभी लगातार छुट्टी ही पड़ रहा था। तो जिस समय हम लोग गए थे कलेक्टर कार्यालय, उस समय कलेक्टर जो है वो मीटिंग में बिजी थी, हमने उनका इंतजार किया,
कुछ देर बाद अचानक मुझे फोन आया मेरी बहन का कि माँ बताई कि वहाँ पे घर को तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। फिर मैं मैडम से मिलने का प्रयास किया लेकिन मिल नहीं पाया क्योंकि वो मीटिंग में बिजी थी। तो मैं अपनी छोटी वाली बहन को लेकर के घर चला गया और मेरी बड़ी वाली बहन जो है वो करने कलेक्टर में उपस्थित थी। मैं जाकर देखा तो जैसे ही मैं घटनास्थल पर पहुंचा वहां पर तोड़ने की कार्रवाई चल रही थी और मैंने जाकर वहां पर नायब तहसीलदार और आपका अराई पटवारी से मिला, उनसे पूछा कि बिना नोटिस के बिना ऑर्डर के आप कैसे तोड़ रहे हैं, आप जो है सीमांकन करने के लिए नोटिस दिए थे तो आप कैसे तोड़ दिए इसको। तो उन्होंने मैंने बोला ऑर्डर दिखाइए आप, तो उन्होंने ऑर्डर नहीं दिखाया। मैंने उस घटना का वीडियो बनाने का प्रयास किया लेकिन पुलिस वाले जो है कि जबरन मुझे मेरा मोबाइल लूटने का प्रयास किए और बोले मोबाइल अंदर रखो नहीं तो हम मोबाइल को लूट लेंगे, और मुझे जो है कि अपने पुलिस की जो गाड़ी है उसमें ले जा करके और बंद कर दिए और पकड़ के रखे रहे हम लोग को, मतलब बंदी बना कर रखे। इसके बाद फिर मैंने प्रयास किया, इसके बाद फिर जो है कि तहसीलदार मैडम से बाद में फिर किसी प्रकार से पूछा तो उन्होंने बोला कि इसको मैं तोड़वा रही हूँ, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं, तहसीलदार जहाँ चाहे वहाँ तोड़वा सकता है, ये सरकारी जमीन ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं बोला बिना नोटिस के आप कैसे तोड़ देंगे, बोलती है मेरा पावर है मैं तोड़वा सकती हूँ, ऐसा बोल रही हूँ। जबकि मेरे को कोई इसमें मतलब कि समय नहीं दिया गया ना सुना गया, मेरा अपना पक्ष रखने के लिए इसमें कोई समय नहीं दिया गया और नोटिस ऐसे दिया गया जैसे कि आज कार्रवाई करना है और एक दिन पहले जो है नोटिस दिया जा रहा है। तो उस समय फिर मैं न्यायालय चला गया स्टे लेने के लिए, वो लोग बोले कि जाओ स्टे ले आओ तब हम ये कार्रवाई रुकेगा अन्यथा नहीं रुकेगा। मैं चला गया न्यायालय और वहाँ पर मेरी माँ बस अकेले थी। तो बाद में न्यायालयीन प्रक्रिया में समय लग गया और स्थगन तो नहीं मिल पाया लेकिन मुझे पता चला कि मेरी माँ जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल में आया और माँ से पूछा कि कैसे घटना हुआ, तो मेरी माँ बताई कि वहाँ पर ठेकेदार जो है वो मैं जब रुकने का प्रयास कर रही थी उस समय जो है कि ठेकेदार कुछ शीशी निकाला और सीधे मेरे मुंह में डाल दिया, उसके तरल पदार्थ था वो मेरे मुंह के अंदर चला गया जिस समय कि चक्कर आ गया मेरे को और मैं वहीं पर गिर पड़ी। इसके बाद ठेकेदार बोला कि इसको जेसीबी वाले को बोला कि यहीं पर गाड़ के इसको और मिट्टी में डाल दो। इसके बाद फिर मैं वहाँ पर पीआई साहब भी आए थे देखने के लिए मेरी माँ को और कुछ पुलिस वाले वहाँ पर एकत्रित थे। मैंने उनसे बोला कि आप रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया और इसके पश्चात फिर चल रहा था कार्रवाई। मेरी माँ बताई कि मुझे उल्टी हुआ और मैं जब यहाँ पर पहुँची तो सीधे वहाँ से मेरे को नहीं पता, वहाँ चक्कर मार दिया था मेरे को और सीधे मैं हॉस्पिटल के बेड में मेरे को होश आया। अभी दरअसल बात यह है कि मेरी माँ का एमएलसी नहीं किया जा रहा है और थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं किया जा रहा है। तो मैं जो है कि एसपी कार्यालय गया और वहाँ पर एक आवेदन दे दिया हूँ जिसका मुझे रिसीविंग प्राप्त हो गया है। शासन प्रशासन से मुझे आशा है कि मुझे न्याय मिले और मेरे साथ न्याय करें, बस यही गुजारिश है। बैकुंठपुर कोरिया से कमलेश सेक्का की रिपोर्ट, TV1 इंडिया।